नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के अजमेर जिले की आना सागर झील में कोई नोटों से भरा बैग फेंक गया। इसके बाद 200-500 के नोट झील में दिखाई दिए। जैसे ही आसपास झील में नोटों के मौजूद होने की खबर फैली, लोग बिना कुछ सोचे समझे ही झील में कूद गए और नोट लूटने लगे। यहाँ तक कि नगर निगम के कर्मचारी भी बोट लेकर नोट लूटने लगे। आखिर में पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों को लाठी से मारकर भगाया। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि झील में नोटों से भरा बैग किसने और क्यों फेंका। आपको बता दें, मामला आना सागर झील के रामप्रसाद घाट का है। यहां 13 जून को कोई नोटों से भरा बैग फेंक गया। इसके बाद नोट बैग से निकल गए और पानी पर फैल गए। कुछ ही देर में शहर में अफवाह फैल गई कि झील में से नोट निकल रहे हैं। बस फिर क्या था, दूर दूर से लोग नोट लूटने के लिए आने लगे और फिर बिना कुछ सोचे समझे ही झील में कूदने लगे। किसी के हाथ में 500 तो किसी के हाथ में 200 के नोट लगे। लोगों को नोट लूटते देख झील की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी भी झील में कूद गए। साथ ही नगर निगम के कर्मचारी भी बोट ले जाकर नोट लूटने लगे। गौरतलब है कि थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को लाठियों से मारकर वहां से भगाया। फिलहाल ये पता नहीं लगा है कि नोटों से भरा बैग किसने और क्यों फेंका। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारियों से नोट बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।